ईडी के द्वारा राहुल गांधी से पूछताछ पर धनबाद युवा कांग्रेस उतरा सड़क पर, जलाया पुतला। राहुल गांधी से ईडी के द्वारा पूछताछ को लेकर धनबाद जिला युवा कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। वहीं दर्जनों की संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी के नारे लगाए। बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी के द्वारा पूछताछ किया जा रहा है। इसको लेकर धनबाद जिला युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कुमार गौरव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है और ये तानाशाही की सरकार है। कहा कि पूरे देश में भाजपा की सरकार में जो देश की स्थिति बनी हुई है ये सभी लोग देख रहे हैं। कहा कि द्वेष की भावना से राहुल गांधी को ईडी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं कहा कि ईडी प्रधानमंत्री का तोता है। राहुल गांधी ने जब ईडी को बोला कि पूछताछ का लाइव टेलीकास्ट करो तो क्यों नहीं किया जा रहा है। कहा कि कांग्रेस की भी सरकार थी लेकिन कभी भाजपा की तरह गंदी राजनीति नहीं की। जिस पर जिसकी सरकार होती है उसी का ईडी होता है। कहा कि अगर सरकार नहीं सचेत हुई तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। वहीं काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। जिस तरह से आप देख रहे हैं पूरे देश में जो भाजपा के राज्य में जो स्थिति बनी हुई है, साथ ही उच्च गद्दी पर बैठे हुए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और भाजपा की सरकार, ये द्वेष की भावना से आदरणीय राहुल गांधी जी को आज 3 दिन से ईडी के द्वारा अपने तोता को छोड़ के उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और उनको बार बार बुला के क्वेश्चन किया जा रहा है। जब राहुल जी बोले कि लाइव टेलीकास्ट करो मेरे क्वेश्चन का, तो क्यों ईडी और भाजपा डर रही है उनके लाइव टेलीकास्ट करें उनके क्वेश्चन को। मोदी जी तानाशाही नहीं चलेगी, कांग्रेस का भी सरकार था 60 साल, लेकिन कभी कांग्रेस ने ऐसी गंदी और द्वेष भरी राजनीति नहीं की है। पूरा देश जल जाएगा मोदी जी। जिस तरह से कांग्रेस ऑफिस में घुसकर कार्यकर्ताओं को उस मंदिर में लाठी चार्ज किया, इसका घोर निंदा धनबाद जिला युवा कांग्रेस कर रही है। और सड़क से सदन तक हम लोग मार खाते खाते अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के पक्ष में इसी तरह लगातार आंदोलन करते रहेंगे। धन्यवाद। ईडी जो है राहुल नरेंद्र मोदी की है, आप खुद जान लीजिए ना। आप तो देश के स्तंभ हैं मीडिया बंधु। जिसकी सरकार होती है उसी का ईडी होता है, ये कोई नई बात है नहीं भैया। पूजा सिंघल मामले में भी नरेंद्र मोदी का ही काम। पूजा सिंघल अगर आरोपी थी तो वो तो जेल के पीछे, सलाखों के पीछे, कहाँ कांग्रेस उनका बचाव करने आ रही है। पूजा सिंघल मामले में तो हम लोग का कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन हम लोग अपने नेता के हरासमेंट में हम लोग रोड पर हैं।